ये भाई साहब पर्ची दे देना, आप कह रहे हो कि मैडम आज नहीं आए हुए हैं, आपकी बात नहीं हो पाएगी, आपकी बात को माना। अब ये जो पर्ची है ना, चाहे कोई भी स्कूल का स्टाफ हो जिसको आप बात करते हो, कुछ करते हो, उसको ये पर्ची हैंड ओवर कर दीजिए। आप ये पर्ची नहीं ले सकते हैं तो बताइए कि दिक्कत है क्या, मना किया हुआ है स्कूल वालों ने कि पर्ची नहीं लेनी है, कि ये पेरेंट्स अगर स्कूल आते हैं तो ये पर्ची जो है नहीं लिया जाएगा है। नाम बताइए जिन्होंने मना किया है, फ़ोन नंबर दीजिए, मैं मोबाइल पे बात करता हूँ। कोई तो मोबाइल नंबर होगा आपके पास स्कूल वालों का जिससे बात हो सके। मैंने तो बहुत फ़ोन कर लिया था कि फ़ोन तो कोई भी नहीं उठा रहा है, कोई जवाब नहीं आपकी तरफ से। अब देखिए मैं 10 दिन के बाद दोबारा स्कूल में आया हूँ और कॉल जो है अनआंसर है, गार्ड भी मना कर रहा है पर्ची देने के लिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, और 1 जुलाई को दिल्ली गवर्नमेंट का भी सर्कुलर आया है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही आगे करता है। और स्कूल वालों की तरफ से अभी तक मेरे को ना किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं है, बाय मेल बाय मैसेज। स्कूल की तरफ से लॉकडाउन में ये मेल का आया था, जब स्कूल ओपन होंगे तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद लॉकडाउन जो ओपन हुआ, फिर अगेन मेल आया कि जुलाई मंथ में हम मीटिंग करेंगे, और जुलाई मंथ जो है अब स्टार्ट है और 1 वीक हो चुका है, लेकिन अभी तक सिंगल किसी भी तरह का कोई रिस्पेक्टिव कॉल मैसेज नहीं है जो स्कूल वालों ने मेरे बच्चे की क्लासेस 1 अप्रैल से बंद कर रखी है। अब स्कूल वालों को इतना कहाँ से हिम्मत आता है मैं नहीं जान पाया आज तक, ये किसकी शायद इतना चल रहे हैं। लेकिन डिफ़िकल्टी है कि एक पेरेंट्स से ये छुप रहे हैं। मैं अगेन गार्ड को कहता हूँ कि वो पर्ची ले और ट्रांसफ़र करे। ये भाई साहब पर्ची दोगे? गार्ड साहब आपका जो भी नाम हो मिस्टर, देखिए ये अनसुना करके जा रहे हैं, जैसे मौन व्रत धारण करा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, लेट मी सी।